और इधर पश्चिमी चंपारण के बेतिया में बेतिया छावनी लौरिया मुख पथ मनुआ पुल थाना अंतर्गत बेतिया डीह पंचायत के चौकहा वार्ड नंबर 1 से महावीर टोला होते हुए चुहरी से जुड़ने वाली लगभग 2 किलोमीटर की कच्ची सड़क जर्जर अवस्था में है। लगभग 20 से 25 पंचायत से जुड़ते हुए लौरिया जाने वाली मार्ग से जुड़ती है। प्रतिदिन इस मार्ग से ग्रामीणों को शहर आना जाना रहता है। बरसात के दिनों में जल जमाव और कीचड़ के कारण कई प्रकार की दुर्घटना भी घट जाती है। इस सड़क के निर्माण अगर होती तो मुख्य सड़क के अपेक्षा लौरिया चुहड़ी जो कहाँ बेतिया डीह होते हुए बेतिया शहर की दूरी लगभग 4 किलोमीटर की बचत, साथ ही समय की बचत होगी। वही जिलाधिकारी के ध्यान इस मार्ग पर केंद्रित हो इसके लिए ग्रामीणों ने आस लगाए बैठे हैं। ये प्रश्न ये है कि इस रोड के वजह से कोई आउटी गांव के लोग इस गांव में संबंध भी करना नहीं चाहता है। शादी संबंध में भी यहाँ के बच्चियों का बच्चों का दिक्कत होता है। 500 बच्चे कम से कम एक गांव से जाते हैं पढ़ने के लिए। आप समझिए कि इस रोड पर थोड़ा सा पानी अगर हो गया तो किसी का न किसी का पैर टूटना ही है। और यहाँ से अगर 5-7 किलोमीटर पहरवाज करके कुड़िया कोठी जाते हैं तो बहुत समस्या उत्पन्न होता है। कहीं ठोकर लगने का भय है। वो भी सिंगल रोड है, आप देखिए रहे हैं। अच्छा, ये सड़क किस मुख्य मार्ग को जोड़ती है? ये मुख्य ये चुहरी से लेकर के सीधे लौरिया तक के मुख्य मार्ग को जोड़ता है। इधर इधर बेतिया यहाँ से चुहरी से लेकर के आप चले जाइए चनपटिया और लौरिया दोनों को कनेक्ट करता है चुहरी में। और उसके बाद ये सड़क जो है सो दुबोलिया होते हुए आपको बसंत टोला में मिल के जाके लौरिया रोड में मिल जाए और बेतिया वाला में। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सड़क आपको तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर तक दूरी जो है हाँ। वो पूरी जर्जर स्थिति में है। आज तक इसके 1.5 किलोमीटर का दूरी जो है इसके ऊपर देखने वाला आज तक कोई मीडिया कर्मी या कोई प्रशासनिक पदाधिकारी चाहे कोई प्रतिनिधि नहीं आया। आज फर्स्ट बार आप लोग आए हैं और आप लोगों के सौजन्य से हम लोग चाहेंगे कि इस सड़क का आवाज बुलंद हो, सरकार के पास पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री जी समझें, माननीय डीएम साहब समझें और इस रोड का उद्धार करें। क्योंकि बच्चियों का शादी करना, बच्चों का शादी करना, खेती बाड़ी से लेकर यहाँ पे मतलब हर एक चीज है, आने जाने वाले कमाने वाले भी 5000 लोग आते हैं। दिक्कत हो रहा है। आपका शुभ नाम सर? हमारा जयशंकर मिश्र। आपका? हिरामन अंसारी। और आपका सर? जी मेरा दीपक मिश्रा नाम हुआ। आप लोग ये क्षेत्रीय के ग्रामीण हैं? जी सर, ये लोग सारे दुबोलिया एक ग्रामीण हैं। खेती बाड़ी भी जो है वो भी ये रोड को टूट जाने की वजह से एक बारिश हो जाए, थोड़ा से भी बारिश हो जाता है तो ये रोड बंद हो जाता है, जिसके कारण से हम यहाँ से सारे पब्लिक लोग 5 किलोमीटर की दूरी बना कर उसके बाद में जाते हैं, जिससे बहुत परेशानी होती है। बच्चे जो हैं बेतिया यहाँ से जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। 5-7 किलोमीटर फरवार से जाना पड़ता है तो दिक्कत होवे करेगी। और ये पुल का देखिए, इस पंचायत में हर एक काम को देखिएगा आप तो यहाँ पंचायत का स्थिति जो है बहुत ज़्यादा जर्जर है। देखिए पुल का स्थिति देखिए। अभी इस पुल के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा बोले हैं, कहाँ कहाँ भी जाकर बोले हैं, मुखिया जी से भी बोले हैं, विधायक जी से भी बोले हैं, सब कोई तो बोल रहे हैं कि जो टेंडर में चला गया आएगा बनेगा। इसी तरह मतलब देखिए 15-20 साल हो गया इसी तरह।